cos 10 sine cot inverse x equals to 1 plus x square upon x square plus 2 raised to 1 by 2। भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो cot inverse x को क्या मानो, m मान लो, सही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, cot m, सही है। अब ये साइन एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, साइन एम की वैल्यू चाहिए, साइन एम की वैल्यू चाहिए, तो साइन एम की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट एम ये है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, साइन एम आ गया ये, साइन एम। अब क्या चाहिए, टेन इनवर्स साइन साइन एम चाहिए, इसका भी टेन इनवर्स चाहिए, साइन एम ये है। तो अब क्या किया मैंने, ये मेरे पास ये आ गया टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास ये, और नहीं, साइन एम की जगह साइन एम की वैल्यू ये आई है ना, तो ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया, तो मुझे क्या चाहिए, इसको अगर मैं एन मान रहा हूँ पूरे को, इसको एन मान रहा हूँ, तो कॉस एन चाहिए, कॉस एन की वैल्यू कितनी आई, टेन एन की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से समझिए, टेन एन की वैल्यू कितनी आई, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एन की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस एन की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस वन प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड है कोसाइन, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो सिंपल है, ऐसी प्रॉब्लम्स में मुझे कुछ नहीं करना होता भाई, जो इस साइड से चलो और आगे की वैल्यू निकालते जाओ, तो मैं इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले इसको मान लिया एम, और चाहिए क्या, साइन एम चाहिए, साइन एम निकाल लिया भाई, साइन एम निकालने के बाद ये आ गया मेरे पास, साइन एम को इस पूरे को रख दिया मैंने, इसकी वैल्यू रख दी ये, अब इसको पूरे को एन मान लिया है, और एन मानने के बाद क्या चाहिए, कॉस एन चाहिए, कॉस एन टेन एन आ गया है, टेन एन मालूम है मुझे इसको, और कॉस एन टेन एन कितना आएगा, ये एन है तो टेन एन ये आएगा, कॉस एन चाहिए। बात समझ आ गई, आसान है, सिंपल, रेशियो बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो तो अदर रेशियो में कैसे चेंज करते हैं वही है, और ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंस से करना रहेगा। ओके,